पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखे, उनके दिमाग में, उनके मुंह पे, उनके जबान पे एक भी ऐसा लफ्ज नहीं आया जो भारतीय क्रिकेट के अगेंस्ट हो, क्योंकि प्रदर्शन ही इस लेवल का था कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने के मजबूर हो जाए। जहां पे एक तरीके से देखा जाए तो मैच को फंसा हुआ देख के काफी पाकिस्तानी लोग थोड़े पॉजिटिव वाइब से आ गए, और वहां पे उनका जो रिएक्शन था ना, आ रहा था कि भैया इंडिया यहां से मैच अभी लूज करने वाला है, पैसे बॉल को घुमाना शुरू कर दिया और विकेट बरसात चल रही है उससे भी भयानक झड़ लग गई है वहां पे। तो जय हिंद दोस्तों, कल की मैच एकदम फिनोमिनल, जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम ने कल प्रदर्शन करके दिखाया है वो देख के एकदम लाइक सैटरडे वाइब जो है ना एकदम क्लासी हो गई है। जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम के लिए स्काई गिल, ऋषभ पंत, अरे क्या ही बल्लेबाजी की है, और बल्लेबाजी देख के मतलब ट्रीट टू वॉच 360, यहाँ तक कि वो तो 360 के ऊपर सर्कल में एंगल होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सोच ले तो वो उससे दुगना और तिगना ही होगा। जिस तरीके से उसने शॉट खेले, जिस तरीके से पारी को संभाला है, ये लगता है कि ये टीम गेम है, ये टीम प्लेयर है। अपने रिकॉर्ड्स की तरफ ना जाते हुए इतने सही तरीके से बल्लेबाजी किया है और तोड़ के रख दिया कमर श्रीलंकन बॉलर्स की। साथ ही साथ शुभमन गिल क्या स्टार्ट दिया, ऋषभ पंत, और बहुत मतलब कितना कुछ कहने जैसा है भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी के बारे में। साथ ही साथ गेंदबाजी को जिस तरीके से इंडियन क्रिकेट टीम ने यहाँ पे ग्रूम किया हुआ है, जो बेन स्टेन्थ हमारी चलती है, जबकि हमारे पास में बुमराह नहीं थे, इसके बावजूद इस तरीके से घातक गेंदबाजी 140 रन पे केवल एक विकेट था श्रीलंकन बल्लेबाजों का। उसके बाद में जो कमबैक किया है 35 रन में बाकी की 9 विकेटें लेना, इट्स नॉट ए जोक, और 35 रन के भीतर में ऑल आउट कर दिया टीम को पूरा, और वहां से अक्षर ने जो विकेट्स निकाली है दो, वहां से टर्निंग पॉइंट रहा। अदरवाइज टीम मैच जो था ना, मैच कहीं ना कहीं बोल सकते थे कि फंसा हुआ है। हाँ, फंसा हुआ लग रहा था, पर हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम इस दौर से गुजर रही है कि वहां पे कोई भी मैच, हाल ही में हमने एक वर्ल्ड कप में मैच देखा है जहां पे तो हाथ से गई हुई मैच ऐसे छीन के वापस लाई हुई है फाइनल। उस हिसाब से तो अब लगता है कि कोई भी चीज, कोई भी टीम इंडिया के लिए जो है ना मुश्किल नहीं है, वो कहीं से भी मैच को खींच के ला सकती है। साथ ही साथ इस बात से पाकिस्तानी मीडिया में तो हलचल सी मच गई है, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी क्रिकेटर वो तो दीवाने हो गए, वो तो अपने टीम को कोस रहे कि भारत की टीम कैसे खेल रही है, और हमारी टीम मोटों की पतलों की ना फिजिकल फिटनेस है, ना खेलने का डिसिप्लिन है, और ना ही स्किल सेट वो अपना शो कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ वहां के जो क्रिकेटर है वो इतना प्रेस कर रहे हैं, खासकर शोएब अख्तर, वो तो मुरीद बन गए स्काई के। स्काई का मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, क्या रूथलेस बॉलिंग है, क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। तो पूरी दुनिया मुरीद है, तो लिटरली बता रहा हूँ, इसके बाद में अगर कोई टीम इस तरीके से खेल सकती है तो केवल और केवल भारतीय क्रिकेट टीम है, जो इस तरीके का प्रदर्शन दिखा के पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करने वाली है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो मैच को फंसा हुआ देख के काफी पाकिस्तानी लोग थोड़े पॉजिटिव वाइब से आ गए, और वहां पे उनका जो रिएक्शन था ना, आ रहा था कि भैया इंडिया यहाँ से मैच अभी लूज करने वाला है, बट अक्षर पटेल द मैजिशियन, उन्होंने लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा, वहीं से बॉल को घुमाना शुरू कर दिया और विकेट, दूसरे ओवर में और एक विकेट। उसके बाद में जो झड़ लगी है ना, तो जो बरसात चल रही है उससे भी भयानक झड़ लग गई है वहां पे विकेटों की, एक एक करके ताश के पत्तों की तरह श्रीलंकन बैटिंग ऐसे बिखर सी गई, और भारत ने आखिरकार मैच जीत लिया, वो भी कन्विंसिंगली, बहुत कन्विंसिंगली। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके की बातें चल रही है, पाकिस्तानी मीडिया में किस तरीके से प्रेस किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को। आज मैं ये कहने के लिए मजबूर हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का, पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखे, उनके दिमाग में, उनके मुंह पे, उनके जबान पे एक भी ऐसा लफ्ज नहीं आया जो भारतीय क्रिकेट के अगेंस्ट हो, क्योंकि प्रदर्शन ही इस लेवल का था कि आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ करने के मजबूर हो जाए, और मजबूर हुए। देखने में मजा आता है जब कोई दुश्मन आपकी तारीफ करता है, क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज, बट तारीफ करने पे मजबूर कर दिया भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने प्रदर्शन से। वीडियो अगर पसंद आएगा तो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए लाइक ठोकना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।